वो साहब की मेज ते चले गए एक्सीडेंट की, तो शीशा पया सी, मैं जो रखे शीशा टुट गए। वो जड़े कड़े पाई जाने सारे, साड़ी माँ जी कहती होंगी सी बड़े कड़े पाए हो, कहते तुहानू कोई गड्डी दा पहिया नहीं मिल गया, वो गड्डी दे पहिए दी शेप उदां दी हुंदी। वो भाई ये सारा भेख है कड़े का जिक्र, तो गुरबिलास पातशाह दसवीं च भी है नहीं, ये कोई फंक्शन ही है नहीं, इहदी राखी है जी, इहदी ये कड़ा निशानी। किते पांच ककार कट्ठे नहीं मिलते, वो जिहड़ा पांच पांच काफ कहिंदे अब नंद लाल दी, वो सारा वह भी झूठ है, वह भी हुण साबित हो गया भी पांच भाई नंद लाल दी बाणी नहीं है, वह एवें बनाई है। इस करके केस की तू बगैर खंडे बाटे दी पाउल नहीं दिंदे, तुसी तुहानू की हक है भेख बनाउण दा, जबकि बाबे नानक दी कह लाइन कह रही है छोड़ो वेस भेख चतुराई के, छोड़ो वेस भेख चतुराई, दुबदाए फल नहीं जियो दुबदाए। अज से दुनिया च जे कोई बीबी ली बेस्ट तो बेस्ट सिर ढकण लई कोई ड्रेस मिली है तो वह है केसकी। पुरातन सिंगणियां सजाउंदियां सी केसकी, हुण भी सजा सकदे सब कुछ, क्योंकि आला ड्रेस है सारी दुनिया की। केस सानू टक के रखना सोहनी केसकी, पर एक कारां च कित्थों आ गई इहदे बगैर तुसी पौल नहीं लै सकते जी, वो सारा पंथ बाकी सारा ये बगैर जा लै रहा सारा, वो सारे पिटे गए, वो पूरे नहीं है। ये हुणे पिछे भाई साहब जिस वेले ये पहला नहीं सी तुरी, ये इत्थों ही दिल्ली दे एक मैं ना नहीं लेना, उस सिंह ना जबरदस्ती आण के पंजां पिया ने सारे कह कह जीए भी किस की पंजवां ककार है, वो पंजवां ककार सारी उम्र भाई साहब डरते रहे, जां बाऊ मल सिंह जी भी ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋਗੇ ਪੰਜਵਾਂ ਕਕਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਥ ਨਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕਕਾਰ ਬਣਾ ਤਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋਗੇ? ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਊ ਜੀ ਨਾ ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਊ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰਡਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਓਗੇ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਆ ਗਏ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਵਾਂ ਕਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਦਿਓ? ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਜੋ ਨਾ। ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਊ ਜੀ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਢੋਲ ਦੇ ਪੋਲ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਆਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਛੋਡੋ ਵੇਸ ਭੇਖ ਚਤੁਰਾਈ, ਹੇ ਛੋਡੋ ਵੇਸ ਭੇਖ ਚਤੁਰਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਇਹ ਫਲ ਨਹੀਂ ਜੀਓ ਦੁਬਦਾ ਇਹ ਫਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੁਬਦਾ ਇਹ ਫਲ ਨਹੀਂ ਜੀਓ ਦੁਬਦਾ ਇਹ ਆਵੇ ਦੁਬਦਾ ਐਸੋ ਕੋਏ ਜੇ ਦੁਬਦਾ ਮਾਰੇ ਗਵਾਵੇ ਐਸੋ ਕੋਏ ਐਸਾ ਕੋਏ ਜੇ ਦੁਬਦਾ ਮਾਰੇ ਗਵਾਵੇ ਐਸਾ ਕੋਏ। ਇਹਨੂੰ ਡਰੈਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨੋ ਬੜੀ ਵਾਲਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਡਰੈਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਡਰੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਲਸੇ ਦਾ ਬਣੀ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਕੀ ਇੱਕ ਕਸ਼ਹਿਰਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਰਾਖੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਪਰਦੇ ਵੀ ਟੱਕਦੀਆਂ, ਕੇਸ ਵੀ ਟੱਕਦੀਆਂ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਐਲਾ, ਡਰੈਸ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਕਾਰ ਲਈ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਐਸਾ ਇਸੇ ਮਾਰੇ ਰਾਜ ਜੋਗ
दुबदा आ जिने वांगू गातरा गल च पा देना दुबदा नहीं तो की है गातरा पाओ जी गातरा जरूर गल च होना चाहिए असी चंगी तरह आसा दी वार च ये बफिए देड़ चुके हैं भी ये गातरा जनेऊ है। मैं एक बारी बाऊ जी को गया हड बीतियां दस रहा वो बेचारे लम्मे पे सी ते मैं छेती ना बूहा खोल के उन्होंने चुआरे च रेंदे सी उत्थे जिथे मैं छेती ना मेरे ना बहुत प्यार करते सी और जिस वेले मैं गया तो लम्मे पै के छेती ना उठे मैं हाली अंदर ही गया बूहा माड़ा जा थोड़ा जा खोलिया तो अंदर गया वह छेती ने ना बेचारे बुढ़े से 100 साल तक तो हो चुके से वो छेती ना सराहने थल्यों कड कड के ना छेती ना कढ़न लगे उस गातरा रखे आ गलों ला के सराहने थले रखे वो मैं क्या छेती ना जो पाउन लगे तो थोड़े जने डिग पे तो घाबर के कंबन जाए लग पे तो छेती ना वो बूहे वाले देख लग पे तो मैं क्या बाऊ जी तुम आराम ना पा लो गातरा कोई नहीं मैं ही कहते होर तो नहीं कोई मैं क्या जी क्यों वो कहता इन्ह मुलों को मैं डर बड़ा लगता तो जे मेरे गल च गातरा ना हो तो इन्ह सिंह ना इन्ह मुला ना मेरे दुआले हो जाए आ है हैड ऑफ द डिपार्टमेंट जिन्होंने खरे किन्निया क परपकार करके बाऊ जी ने इन्ने छकाई है पौल और उन्होंने कमाई उन्होंने सी और उन्होंने जोड़े बोल है असद मैं याद है। मैं क्या बाऊ जी ये जरूरी ये किस तरह तुम कहते मैं इन्होंने मुलों को बहुत डरदा जेडे मुला टाइप सिख है ना ये मैनू भी नहीं छड़ते इस करके मैं पहले ही पा लेना गल दे बाबे नानक दा असी चंगी तरह परख आए भी बारला भेख वेस चतराई बहुती ये दुबदा की डेफिनेशन महाराज ने देती नहीं तो बड़ा मुश्किल है दुबदा का लफ्ज दुबदा की हुंदा जेड़ा कम करन वाला तो करना ना तो दूसरी दुबदा च पै जाना वो है नाम तो जपना ना जिसलिए आए हैं तो बाकी चीज़ों पै जाना बहरलियाँ इस करके महाराज ने शब्द ही इस शुरू किया पही तू ये जालन जेड़े अमृत लिए तू आया वो गुरु दे कोल है ते तू बनाउना वो अमृत ते उहदे बनाउण च तीन अड़के लगनगे तैनू जे तू जिंदगी च वो अमृत बनाउना ना जिस जल निद कारण तुम जग आए सो अमृत गुर पाही जियो इत्थों शब्द शुरू हुंदा बाबा नानक अपना पूरी फिलोसफी दे रहा है इस जन्म आउण दी और की काम करना है कहते जिस जल निध कारण तुम जगे आए सो अमृत गुर पाही जी वो अमृत गुर पास है लेकिन तेनू तीन काम करने पैने वेस भेख ते चतराई छड़नी पैनी ये है दुबदा ये नालो फल नहीं मिलना तेनू इस करके क्यों नाम जपेगा तेरी बिरती इन्हां च जाएगी लीक हो के कदी नाम जपन वाले देख लो इन्हां ककारां जी बिरती रहिंदी है उही सामने ते रही दा वो इत्थे तक रिस्ट्रिक्शन लाती भी नाउण लगे इहनूं सिर ते बन लो जिदां जनेऊ कन्न च टंग लैंदे आ ना बाहमण टट्टी जाण लगे वह कन्न नाल लपेट लैंदे वह कहिंदी जी कौण वो सिर ते बन लैंदे ये पक्का सिख है फिर फोटोशाप दे ने हरिमंदर साहब दे सरोवर दियां उधर अमरीका च भी जांदियां भी उत्ते गातरा निकलिया गातरे ना तलवार कृपान बधी आ चाकू जिहा और बन के सिर दे उत्ते ना रहे ने ते थले लिखिया पक्का सिख वाह भाई वाह छोड़ो वेस भेख चतराई ए छोड़ो वेस भेख चतराई दुबदाए फल नाही दियो दुबदाए फल नाही फल नहीं जियो दुबदा ए फल नहीं जियो जिस जाल निदे का
कारण तुम जगे आए जिस जल निंदे कारण तुम जगे आए सो अमृत गुर पाही जियो सो अमृत गुर पाही जियो सो अमृत गुर पाही जियो सो अमृत गुर पाही छोड़ो देख चतुराई छोड़ो वेश देख चतुराई दुबदा ये फल नहीं दियो दुबदा ये फल नहीं दुबदा ये फल नहीं दियो दुबदा ये फल नहीं तेरा मन सारी उम्र नहीं खड़ा होएगा जे तू आ दुबदा ना छड़ी सिद्धा पदरा सिख बन जा साबत सूरत रख बाकी होर जो रिस्ट्रिक्शन ये सारिया लाइया ये सारिया ही गलत है महाराज कहता मन नू खड़ा करना सिख वो की है मन री थेर रहो मत कत जाही जियो मत करते जाही मन रे फिर रहो मत करते जाही बाहर ढूंढत बहुत दुख पावे बाहर ढूंढत बहुत दुख पावे करे अमृत घट माही जियो करे अमृत घट माही जियो करे अमृत घट माही जियो करे अमृत घट माही रहो मन रे here सब तू पहला काम तू की करी बाबे नानक दा हुक्मन शब्द है देखो अवगुण छोड़े गुणा को ताब अवगुण छोड़े गुणा को ताब अवगुण छोड़े गुणा को ताब अवगुण छोड़े गुणा कर अवगुण पछताही जिया कर अवगुण पछताही जिया कर अवगुण पछताही जिया कर अवगुण पछताही जिया सर अपसर की सार ना जाने मंदे चंगे दी तेनू हली मंदे चंगे दी सार दा नहीं पता मंदा कम केड़ा पैड़ा केड़ा सार अपसर की सार ना जाने सारे अपसर की सार ना जाने फिर कीच बुढ़ाही जियो फिर कीच बुढ़ाही जियो तू बार बार चिक्कड़ च लिबड़ेगा फिर कीच बुढ़ाही डुबेगा चिक्कड़ च फिर कीच बुढ़ाही जियो फिर कीच बुढ़ाही मन रे फिर रहो मत कत जाही जियो मत कत जाही जियो मन रे
बाहरे नावो कहीं जियो, बाहरे नावो कहीं जियो, बाहरे नावो कहीं जियो, बाहरे नावो कहीं जियो। ओए अंदर दी मैल गवा, आड़ा लोभ मोह महाराज औगण दस रहा, बाबा नानक लाइट दे रहा, बाबा नानक शब्द राही तानू दोनों हथ तां चक चक के कहिंदे तो अमृत वेले जिहड़ा केसां दा इशनान करना ये सारा ब्राह्मणवाद है, असल की चीज है अंतर मैल लोभ बहु झूठे, अंतर मैल लोभ बहु झूठे, ए बाहरे ना वो काहीं जियो, बाहरे ना वो काहीं जियो, ए बाहरे ना वो काहीं जियो, बाहरे ना वो निर्मल नाम जपो साध गुरमुखे, निर्मल नाम जपो साध गुरमुखे, सुनिया सुनाया ना जपी गुरमुखे गुरु दे जरिए खंडे बाटे दी पौल लैके, निर्मल नाम जपो साध गुरमुखे, निर्मल नाम जपो साध अंतर की गत ताही जियो, 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 मन रे फिर रहो मत कट जाही जियो, ए पर हर लोभ निंदा कूड़ त्यागो, पर हर लोभ निंदा कूड़ त्यागो, सच गुर बचनी फल पाही जियो, सच गुर बचनी फल पाही, सच गुर बचनी फल पाही जियो, सच गुर बचनी फल पाही जियो। महाराज हुण अत गरीबी चाहुंदे है बाबा नानक, ज्यों पावै त्यों राख हर जियो, ज्यों पावै त्यों राख हर जियो, जन नानक सब दे सलाही जियो, जन नानक सब दे सलाही, जन नानक सब दे सलाही जियो, जन नानक सब दे सलाही, मन रे मन रे फिर रहो मत कट जाही जियो, मत कट जाही जियो, ए छोटो वेश देख चतराई, ए छोटो वेश देख चतराई, ए पेखी प्रभु ना लबई, ए पेखी प्रभु ना लबई, ए पेखी प्रभु ना लबई, वेण सच्ची सिखंग, वेण सच्ची सिखंग, ए सिखो शब्द प्यारियो, ए सिखो शब्द प्यारियो, ए जन्म मरण की टेक, जन्म मरण की टेक, जल सदा सती नानक सिमरत एक, हे नानक सिमरत एक, सिखो शब्द प्यारियो, सिखो शब्द प्यारियो, सिखो शब्द प्यारियो, सिखो शब्द प्यारियो, हे पेखी प्रभु
ना लह पाई पेखी प्रभु ना लह पाई बेन सच्ची सिखंग बेन सच्ची सिखंग अकल काला पौड़ी अकल काला नह पाई अकल कला नह पाई प्राप अलख आले खल प्राप अलख आले खल खाट दर्शन परम ते फेरे खाट दर्शन परम ते फेरे नह है मिली है पेखंग ए वर्त करें चंद्रायणा ए वर्त करें चंद्रायणा शेखते ना लेखन शेखते ना लेखन सिखां च भी वर्त तुर पए हुण चंद्रमा नूं देख के ना उदण केड़ा जी जिहड़ियां बीबियां अपने गर्भाचार वह चंद्रमा देख के फिर सारा वह बड़ा जी हिंदू वाली सारिया वह वर्त रखन लग पे आ मुसलमान च भी हुणे जे ईद मुक्की वह भी चंद्रमा आ सेवियां खाने वाली ईद जड़ी वह कहिंदे चंद्रमा नूं देख के किसे लेखे नहीं है वर्त पैने वह भी रोजे रखते है वर्त करे चंद्रायणा चंद्रायणा तिसे किते लेखन खाण पीण का बहाना हुंदा वो सारा कुछ वह खाण पीण नूं बांदरी ते टंबे खाण नूं रिछ वो घरा बेचारा सारी उम्र कमाउण नूं बीबियां देव दिन करवा चौथ का वर्त सारा वो खाण पीण नूं बांदरी ते टंबे खाण नूं रिछ वह बांदर पालिया हुंदा बटाम खाण बांदरी ते ककरी पा के नचदी रहिंदी वह बेचारे रिछ दे डंडे ते डंडा पैंदा तो इस करके खाण पीण नूं भागां भरी ते धौण पढ़ाउण नूं जुमा तो इस करके वर्त जिन्ने हो जे खाण पीण वाले है ना वो सब करवा चौथ जी अज जी फलाना वर्त है अज आ सारिया चीज़ा होनिया ही चाहिए घर च वो महाराज कहिंदा से किते ना लेखन से किते ओए ना हिंदू बनो वर्त करे चंद्रायणा चंद्रायणा अच्छा चल तू सारा सारा गुरु ग्रंथ साहब पूर्ण पढ़ना है पूर्ण जी हैं खंड पाठ करना महाराज ने इतने भोग पाता उस वेले अली बनिया नहीं सी ग्रंथ जदों दा शब्द है पर महाराज ने उन्हें वेदा पढ़ने वाले ने जेडे एक टक बजी हो वेद पढ़ते सी सारा वो महाराज कह रहे ने वेद पढ़े संपूर्णा संपूर्णा इतत सार न पेखंग तत् की जी वस्तु है वह तो तू देखी नहीं खंड पाठी कर गया तत् सार जी तत् सार नाम जपने वाली गल है वह तो तू तू तो हिंदू वागू हो खंड पाठ चो उत्ते ओ वेद पढ़े संपूर्णा संपूर्णा तत् सार तत् नानक ए जाना ए जाना ए जाना रे तत् नानक एह जाना ए जाना ए जाना रे वाहिगुरु 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 तत् सार न पेखंग तत् सार नानक लेखे एक गल नानक लेखे
ਚੱਕਣਾ ਚਾਖ ਚੋਰ ਕਾਮ ਚੱਖ ਇਹ ਵੇਦ ਪੜੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਪੂਰਨ ਤਤ ਸਾਰ ਨਾਪੇ ਖੰਗ ਤਤ ਸਾਰ ਨਾਪੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਨ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਗੜੀਆਂ ਸਜਾਉਣੀਆਂ ਫਿਫਟੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਖੰਡੇ ਲਾਉਣੇ ਐਨ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਭੋਗ ਪਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਤਿਲਕ ਕੱਢੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਇਹ ਤਿਲਕ ਕੱਢੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਚੱਕਰ ਖੰਡੇ ਲਾ ਲਏ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਾਲਖ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਅੰਤਰੇ ਕਾਲੇ ਖੰਗ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਖੰਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖੰਡੇ ਲੱਗ ਕੇ ਹੋਣ ਐਨ ਪਗੜੀਆਂ ਤੇ ਖੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਚੱਕਰ ਚੜੇ ਹੋਣੇ ਔਰ ਐਨ ਹੱਥ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਐਨ ਖੰਡੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਖੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਅੰਤਰ ਕਾਲੇ ਆਈ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਨ ਅਗਲੀ ਉਹ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੇਅਰ ਦੀ ਸ਼ੂ ਪਿੰਚਿਸ ਐਨ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਾੜ ਤੇ ਹੱਥ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਖੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮੇਰ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਲਾ ਮਾਰ ਗੇ ਸੋ ਪਾਵੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਚ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਇਸ ਭੁੱਲ ਤੋਂ ਹਟੂਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਲਾਣਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਚ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਇਹ ਭੂਲਾ ਮਾਰ ਗੇ ਸੋ ਪਾਵੈ ਇਹ ਭੂਲਾ ਮਾਰ ਗੇ ਸੋ ਪਾਵੈ ਇਹ ਜਿਸ ਤੋਰ ਮਸਤਕ ਲੈ ਖੰਗ ਇਹ ਮਤ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾ ਖੀਜਾ ਪੱਟ ਗਿਆ ਆ ਬੱਖੀ ਤੇ ਖੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਮੀਜ਼ ਦਾ ਝੱਗੇ ਦਾ ਖੀਜਾ ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਟੂਆ ਪਾਇਆ ਸੀ ਥੈਲੀ ਜੀ ਪਾਈ ਸੀ ਰੁਪਈਏ ਪਿਛਲੇ ਮੋਟੇ ਰੁਪਈਏ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਗੁਤਲੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੀਜੇ 'ਚ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੱਪੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਰਾਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਥੈਲੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਖੀਜੇ 'ਚੋਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਰਾਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਾਂਹ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਥੈਲੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਫਲਾਨੇ ਫਲਾਨੇ ਰਾਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੈਲੀ ਇਹਦੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਵਾਪਸ ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਾਂਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫੜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰਟਕੱਟ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲ ਥਾਣੀ ਲੰਘਣਾ ਦਰਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੱਕੜਾਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਰੱਖੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੀ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈਜ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰੋਸ ਕਰਨਾ ਇਹਨੇ ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੰਘਣਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਪਹਾੜੀ ਥਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੀ ਥੈਲੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਾਹ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਥੈਲੀ ਚੱਕ ਲਏਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਭਲਾ ਪਕਵਾਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਥੈਲੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਰਾਹੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪੁਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਇਆ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਸ ਪੁਲ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਲੰਘ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਅੱਜ ਆਲੋ ਵਾਲੀ ਨਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਜਾ ਜਾਂਦਾ ਲੈਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਪੁਲ ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਲੰਘ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹ ਥੈਲੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉਹਦੇ ਮਸਤਕ 'ਚ ਲੇਖ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਥੈਲੀ 'ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਭੂਲਾ ਮਾਰ ਗਏ ਸੋ ਪਾਵੇ
जिस तोर मस्तक ले खंग किसे कुले बंदे नू जा जड़ा इना पेखां च पिया तुसी लख ज्ञान दे लो उहनू लख नू जे उहदे कर्मां च नहीं है उह ज्ञान ना काट नहीं करन क्योंकि उहदी हली कर्म नहीं खुले जिस तोर मस्तक ले खंग जिस तोर मस्तक ले साडी ते ओह गल होई है भई असी मारम बथेरे साल 30-40 साल ऐन गज वज के फिर पाए है ये नहीं भी किसी को लुको के ऑनेस्टली सारी चीज पाई है झूठ नहीं बोलते असी सब कम किए है सारा कुछ करते रहे हैं पर जदों जाग खुली है महाराज ना असी कौन खोलन वाले ओह खोलन वाला उदू फिर कन्ना नू हथ लाया भी जीती जिनी नाती उन्ना पुन बस बेनाइया होर ना मुन ओ भूला मार गए सो पावे ए भूला मार गए सो ओ बामन जो सी ओ दान कराई जांदा सी ओ बीबी बिचारी अच्छा नहा के आई आ हुण तू आ दान कर हुण तू आ इत्थे रख आ इत्थे आ चीजां आ रख बामन दान कराई जांदा सी उहने आण के कहिंदा फोट वे जिन्नी नाती उन्ना पुन बस बे नैया होर ना मुन हुण मैं नहीं होर मनाउणा इस करके भूला मार गए सो पावे ए भूला मार गए सो पावे ए जिस तोरे मस्तक लई खंग ओ पेखी प्रभु ना लभई ना लभई ए बीन सच्ची सी अखीरली लाइन पौड़ी का निचोड़ हुंदा वो आई है तीन जन्म सवारिया अपना तीन जन्म सवारिया अपना जिन्ने गोर आखी देखा जिन गोर आखी जन्म सवारिया अपना तिन जन्म सवारिया तिन्ने जन्म सवारिया तिन्ने जन्म सवारिया अपना जिन्ने गुर दे रारे नू औंकड़ है जिन्हां ना ओ गुर अखां नाल देख लिया ओ गुर की है ओ गुर है बाबे नानक वाला तत् निरंजन जो ते सबाई सो हंग भेद न कोई जियो अपरंपर पार ब्रह्म परमेशर नानक गुर मिलिया सोई जियो बाबे नानक नूं भी इहो ही गुर मिलिया सी परमेशर रूप तत् निरंजन जो ते सबाही सोहंग भेद ना कोई जियो अपरंपर पार ब्रह्म परमेशर नानक गुर मिलिया सोई जियो सो सिखी विच ना गुरु ग्रंथ साहब साडा गुरु है ना कोई होर गुर गुर की है साडा शब्द गुरु है इस करके वह शब्द भी की है वह परमेशर दे विच ही रलिया इस करके बाबे नानक दा गुर जो है वह ही सारी सिखियां दा गुर है बाबा नानक कहिंदा मैनू किहड़ा गुर मिलिया जप तप संजम करम ना जाना नाम जपी प्रभ तेरा गुर परमेश्वर सारिया नू औंकड़ है गुर परमेश्वर नानक कक्के नू इत्थे भी नानक दे कक्के नू भी औंकड़ है गुर परमेश्वर नानक भेटिया कादे नाल सच है सब दे नवेरा इस करके इत्थे महाराज ना कहिंदे है भी शब्द नाल जाओ तिन जन्म सवारिया अपना तिन जन्म सवारिया अपना हे जिन गोर अखी देखा गुर इत्थे दसां पातशाहियां दी जोत इस कागजां च वाड़ी जा रहे ने किताबां लिखियां जा रही भी श्री गु अरदास कहिंदे ने गुरु ग्रंथ साहब जी सतगुरु साहब जी दसां पातशाहियां दी निरंजनी जोत वो भाई मैनू महाराज ना किते लिखिया है गुरु ग्रंथ जां किते
ਮਹੱਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪੋਥੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਓ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਮਹੱਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਲਕਿ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁੱਖ ਵੇਦ ਪਾਠ ਆਹ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਵੇਦ ਫਾੜੇ ਸੰਪੂਰਨ ਤਾਤ ਸਾਰ ਨਾ ਪੇ ਖੰਗ ਤਾਤ ਸਾਰ ਨਾ ਪੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਪ ਬਾਣੀ ਚ ਵੀ ਜਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਪਾਓ ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਓ ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁੱਖ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ ਖੰਡ ਪਾਠ ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁੱਖ ਵੇਦ ਪਾਠ ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹੇ ਉਦਾਸ ਅਸੰਖ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਣੀ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ ਅਰਥ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਸਮਝਾਵਣ ਕਾਰਨੇ ਕੱਛ ਕਪੜੀਏ ਗਿਆਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁੱਖ ਵੇਦ ਪਾਠ ਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹੇ ਉਦਾਸ ਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ ਹੋਰ ਹੋਰ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰ ਲਓ ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੂੰਹ ਭਖਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਠ ਨਾ ਦਿਖਾਲਣੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲੋਹੇ ਦਾ ਵਾਰ ਸਹਿਣਾ ਸ਼ਸਤਰ ਸਹਿਣਾ ਉਹ ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੂੰਹ ਭਖਸਾਰ ਭਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖਾਣ ਨੂੰ ਔਰ ਮੂੰਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਖਾਣਾ ਸਿੱਧਾ ਪਿੱਠ ਨਾ ਦਿਖਾਲਣੀ ਜੰਗ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੂੰਹ ਭਖਸਾਰ ਅਸੰਖ ਮੌਨ ਲਿਵ ਲਾਏ ਤਾਰ ਗੁਰਮੰਤਰ 'ਤੇ ਜਪਣਾ ਨਹੀਂ ਉੱਦਾਂ ਮੌਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਅਸੰਖ ਮੌਨ ਲਿਵ ਲਾਏ ਤਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੁਦਰਤੇ ਕਵਨ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵਾਰਿਅਨ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਵਾਰਿਅਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾਰਿਅਨ ਵਾਰਿਅਨ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਏਕ ਚਿੱਤ ਜੇ ਇੱਕ ਛਿਣ 'ਤੇ ਆਇਓ ਕਾਲ ਫਸ ਕੇ ਬੀਜ ਨਾ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੋਝ ਕੱਢੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਇੱਕ ਛਿਣ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਾਲ ਫਸ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਲਕਾ ਵਾਰਿਅਨ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਹੀ ਭਲੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹੈ ਨਾ ਆਹ ਦੱਸੀਆਂ ਆਹ ਜਿੰਨੀ ਟੀਮ ਦੱਸੀ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਆ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਤਾਪ ਆ ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਕੰਮੇ ਬੇਕਾਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤੇ ਮੇਰੀ ਸਲਾਮ ਥੱਲੇ ਤੂੰ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਇਜ਼ ਐਵਰ ਅਟਰਨਲ ਵੀ ਉਹ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਲਾਮਤ ਹੈ ਉਹ ਸਲਾਮਤ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਲਾਮ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਸਲਾਮਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਲਾਮਤ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਵੈ ਕਿਉਂ ਤੁਧ ਪਾਵੈ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ ਇਹੋ ਹੀ ਉਹਦੀ ਅਸਲ ਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਗ੍ਰੰਥ ਸਭ ਕੁਛ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਬੇਦ ਪੜੇ ਸੰਪੂਰਨ ਬੇਦ ਪੜੇ ਸੰਪੂਰਨ ਤਤ ਸਾਰ ਨਾ ਪੇ ਖੰਗ ਤਤ ਸਾਰ ਨਾ ਪੇ ਖੰਗ ਇਹ ਪੇਖੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾ ਲੱਭਣੀ ਇਹ ਪੇਖੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾ ਲੱਭਣੀ ਇਹ ਵੇਣ ਸੱਚੀ ਸੀ ਖੰਗ ਵੇਣ ਸੱਚੀ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੀ ਹੈ ਪੌੜੀ ਆਈ ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਨਾ ਏ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਬਾਹਰੇ ਭੇਖ ਨ ਪਾਇਐ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਤੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਨਾ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਭ ਲਏਗਾ ਬਾਹਰੇ ਭੇਖ ਨ ਪਾਇਐ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਬਾਹਰੇ ਭੇਖ ਨ ਪਾਇਐ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਕਾਰ ਪਾਈ ਜਾਏਗਾ ਅੰਦਰ ਕਦੋਂ ਵੜੇਗਾ
ਬਾਹਰਲੇ ਕਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਏ, ਬਾਹਰੇ ਭੇਖ ਨਾ ਪਾਈਏ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਯਾਮੀ, ਬਾਹਰੇ ਭੇਖ ਨਾ ਪਾਈਏ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਯਾਮੀ, ਬਾਹਰ ਭੇਖੇ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਬਾਹਰ ਭੇਖੇ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਬਾਹਰ ਭੇਖੇ ਨਾ ਪਾਈਏ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਯਾਮੀ, ਬਾਹਰ ਭੇਖੇ ਨਾ ਪਾਈਏ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਯਾਮੀ। ਸਿੱਖੀ ਜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਾਰਗ ਤੁਰੇ ਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਥੇ ਤੁਰੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਣਾ ਵੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਬਾਣਾ ਉਹ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਭੇਖੇ ਨਾ ਪਾਈਏ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਯਾਮੀ, ਬਾਹਰ ਭੇਖੇ ਨਾ ਪਾਈਏ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਯਾਮੀ, ਇੱਕ ਸਹਾਰੀ ਜਿਓ ਬਾਹਰੀ ਸਭ ਫਿਰੇ ਨਿਕਾਮੀ, ਇੱਕ ਸਹਾਰੀ ਜਿਓ ਬਾਹਰੀ ਸਭ ਫਿਰੇ ਨਿਕਾਮੀ, ਸਭ ਫਿਰੇ ਨਿਕਾਮੀ, ਸਭ ਫਿਰੇ ਨਿਕਾਮੀ, ਸਭ ਨਿਕੰਮੇ ਹੈ, ਸਭ ਫਿਰੇ ਨਿਕਾਮੀ, ਸਭ ਫਿਰੇ ਨਿਕਾਮੀ, ਇੱਕ ਸਹਾਰ ਜਿਉ ਬਾਹਰੀ ਸਭ ਫਿਰੇ ਨਿਕਾਮੀ, ਇੱਕ ਸਹਾਰ ਜਿਉ ਬਾਹਰੀ ਸਭ ਫਿਰੇ ਨਿਕਾਮੀ। ਮਨ ਰੱਤਾ ਕੁਟੰਬ ਸਿਓ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨੀ ਰੱਤਿਆ, ਮਨ ਰੱਤਾ ਕੁਟੰਬ ਸਿਓ ਨਿਤ ਗਰਬ ਫਿਰਾਮੀ, ਮਨ ਰੱਤਾ ਕੁਟੰਬ ਸਿਓ ਨਿਤ ਗਰਬ ਫਿਰਾਮੀ, ਮਨ ਰੱਤਾ ਕੁਟੰਬ ਸਿਓ ਨਿਤ ਗਰਬ ਫਰਾਮੀ, ਮਨ ਰੱਤਾ ਕੁਟੰਬ ਸਿਓ ਨਿਤ ਗਰਬ ਫਰਾਮੀ, ਇਹ ਫਿਰੇ ਗੁਮਾਨੀ ਜਗ ਮੇ ਕਿਆ ਗਰਬੇ ਦਾਮੀ, ਫਿਰੇ ਗੁਮਾਨੀ ਜਗ ਮੇ ਕਿਆ ਗਰਬੇ ਦਾਮੀ, ਇਹ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲਈ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲਈ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲਈ, ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲਈ ਖਿਨ ਜਾਏ ਬਿਲਾਮੀ, ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲਈ ਖਿਨ ਜਾਏ ਬਿਲਾਮੀ, ਵਿਚੜਦੇ ਫਿਰੇ ਸੰਸਾਰ ਮੇ ਹਾਰ ਜੀ ਹੁਕਮਾਮੀ, ਵਿਚੜਦੇ ਫਿਰੇ ਸੰਸਾਰ ਮੇ ਹਾਰ ਜੀ ਹੁਕਾਮੀ, ਇਹ ਕਰਮ ਖੁੱਲਾ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਕਰਮ ਖੁੱਲਾ ਗੁਰ ਪਾ ਭਾਈ, ਕਰਮ ਖੁੱਲਾ ਗੁਰ ਪਾਏ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਸਵਾਮੀ, ਕਰਮ ਖੁੱਲਾ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਸਵਾਮੀ। ਉਹ ਇਹ ਸਵਾਮੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਾਮੀ ਰੱਬ ਵੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਤਾਂ ਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਰਾਧਾ ਵੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਧਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਜਦੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਰਾਧਾ ਵੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸਵਾਮੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਾਧਾ ਵੈ ਸਾਰੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਧਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਾਧਾ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਉਹ ਧਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਧਾ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਧਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਧਾਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਧਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਰਾਧਾ ਰਾਧਾ ਧਾਰਾ ਦਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਲਟੀ ਉਲਟ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰ ਹੈ ਨਾ ਰਾਧਾ ਫਿਰ ਠਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਧਾਰਾ ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਸੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਫਿਲਾਸਫੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਧਾ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਉਹ ਧਾਰਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਾਧਾ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਧਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੂਹੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਦੀ ਗਾਥਵਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਦੀ ਗਾਥਵਾਂ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਗਾਂਧੀ ਮਨ ਦੀ ਗਾਥਵਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਟੇਲ ਭਾਈ ਬਲਬ ਜਾਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਨਹਿਰ ਲਾਲ ਜਵਾਹਰੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਮਤਲਬ ਉਲਟੇ ਪੁਲਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਵਾਮੀ ਦੇਖ ਇਹ ਕਰਮ ਖੁੱਲਾ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਸਵਾਮੀ, ਕਰਮ ਖੁੱਲਾ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਸਵਾਮੀ, ਇਹ
कर्म खुला गुर पाया हर मिलिया कर्म खुला गुर पाया हर मिलिया जो जन हर का सेवक हर तिस की कामी अपनी सेवक दे काम आउंदा फिर जो जन हर का सेवक हर तिस की कामी जो जन हर का सेवक हर तिस की कामी आ जो जन हर का सेवक हर तिस की कामी जो जन हर का सेवक हर तिस की कामी उना दे कम आएगा जेड़े ओदे कम लगे है ते जो बाकी काम लगे आ ओ की है भेखी बाहर भेख न पाए प्रभ अंतर जामी बाहर भेख न पाए प्रभ अंतर जामी जो जन हर का सेवको हर तिस की कामी जो जन हर का सेवको हर तिस सारी उम्र कादे च लंघ जांदी है तीख तीखा सच ना कमावे अपने आप नू जार कर देना जी मैं जथेदार हां मैं ते सब हां भाई साहब हां मैं ते महल तक पहुंचिया बड़ी अप्रोच है मेरी एनिया मैं किताबा लिख रहा आस गुरमत है बाकी ठेका ही गुरमत दा ले लेना और कहना जी बस आ दुनिया नू ओ कहंदे कहे तो मैली निकट ना क्यों हली बाबे नानक दा ते हुक्म कमाया नी अच्छा भी दसो भाई तारू सिंह की कोई किताब लग सकते हो जिन्होंने खोपरी लुहाई सी उन्होंने तारू सिंह कोई किताब लिखी हो मतीदास ना आरे नाल दुफाड़ हो गए उन्होंने कोई किताब मिलती है चलो पंजा प्यारियां दी दस दो कोई उन्होंने किताब लिखी हो प्रातम सिंह अड़े हो गए किसी ना चतराई की किसी ना कोई किताब लिखी किसी ना कोई कुछ किया वो कहते नहीं जी ओ भेख देखा सच ना कमावे सच ना कमावे छोड़ो इस भेख चतुराई डुबदा सच ना कमावे
हाथ नहीं ले सकते पेख पाके पेखी हाथ ना ले दिया सब विधि जमकारे सब विधि जमकारे नानक गल्ला झूठिया नानक गल्ला झूठिया सच्चा नाम सुनाए सच्चा नाम सुनाए गली ऐसी चंगिया आचारी बाबे नानक दी गरीबी देखो तुसी गुरु बाबे नानक दी बाकियां दा ते कहने की है गुरु नानक देखो अपने आप नूं कह रहे है ए गली ऐसी जंगिया आचारी भुइयां रीसा कर दार खड़िया गलिया पेखी हाथ ना लदिया सब बदी जमकारे सब बदी जमकारे नानक गल्ला झूठिया नानक गल्ला झूठिया सच्चा नाम सुनाए सच्चा नाम सुनाए छोटू बीस पेख चतुराई छोटू बीस पेख चतुराई डुबदाए फल नहीं निर्मल नाम जपो सदगुरमुखे निर्मल बाहर ना वो कहीं बाहर ना वो कहीं निर्मल नाम जपो सतगुर मुखे जन नाल से बैसकत ना संगे जिन संग जपिए ना सच्ची बैसकत ना संगे जिन संग जपिए नानक तिन संग संगे जिन अपना स्वार नानक तिन संग संगे नाची गई जिन हा
सच्ची श्री भगवती जी सहाय वाह श्री भगवती जी पातशाही दसवीं पौड़ी प्रथम भगवती सिमर कर गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास सहाय अर्जुन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याहिया जिस लिखे सब दुख जाए एक बहादुर सिमरिया करे नाम निधि ताई सब थाई होए सहाय दसवां पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सब थाई होए सहाय परमेश्वर का ध्यान साग संग गावे गुण गोविंद पूरन ब्रह्म ज्ञान समझे सूझे पढ़ पढ़ गुजे अंत निरंतरे साचा सच जे गुरे फरमाया क्यों ऐ दो बोलो हटिया बोलो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह गुरु साहिब जी के पांच प्यारे जे को जियो कहे उना को जम की तलब ना होई प्यारे दया सिंह जियो धर्म सिंह जियो हिम्मत सिंह जियो साहिब सिंह जियो मोहकम सिंह जियो चार साहिबजादे अजीत सिंह जियो जुझार सिंह जियो जोरावर सिंह जियो फतेह सिंह जियो दीखिया आखे बुझाया सिफती सच समेओ इनको क्या उपदेशिया जिन गुर नानक देओ पूरे गुर की पूरी दीखिया साबत सूर ते दस्तार सिरा बोलो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह इक्के आखे आख है साबत पाख है अर्ध उर्ध दिन रात नानक नाम नाम जप जपिया अंतरे बाहरे रंग गुरे पूरे उपदेशिया नरक नाहे साध संग खत्री ब्राह्मण सूद वैस को जापै हर मंत्र जपैनी सते गुर सब नांदा भला मनाएंदा नानक नाम में चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत का वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह हमे आव गुण भरे एक गुण नाही अमृत छाड़े है बिख खाई माया मोह परम पै पूले सुत धारा से प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुने हो अपनी का
पाठ कीरते की गोर रामदास राखो शरणाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कृपा निधान प्रीतम प्रभ मेरे वरने न साकु बहुगुण से। कृपा निधान प्रीतम प्रभ मेरे वरने न साकु बहुगुण से। कृपा निधान प्रीतम प्रभु मेरे वरने न साकु बहुगुण से। रहौ कृपा निधान प्रीतम प्रभु मेरे वरने न साकु बहुगुण तेरे। बहुगुण तेरे बहुगुण तेरे वरने न साकु बहुगुण तेरे। रहौ कृपा निधान प्रीतम प्रभु मेरे वरने न साकु बहुगुण तेरे। हे कृपा निधान प्रीतम प्रभु मेरे वरने न साकु बहुगुण तेरे। राम कली महला पंजमा पोथी परमेश्वर का थान पन्ना 898। रामकली महला पंजमा गौ को चारे सार दूल। गौ को चारे सार दूल। कौडी का लख हुआ मूल। कौडी का लख हुआ मूल। ए बकरी को हस्ती प्रतपाले। ए बकरी को हस्ती प्रतपाले। अपना प्रभ नदरे निहाले। अपना प्रभ नदरे निहाले। कृपा निधान प्रीतम प्रभु मेरे वरने न साकु बहुगुण तेरे। कृपा निधान प्रीतम प्रभु मेरे वरने न साकु बहुगुण तेरे। रहौ दिसत मास न खाए बिलाई। दिसत मास न खाए बिलाई। मा
महक सबे छुरी सट पाई महक सबे छुरी सट पाई कारण हार प्रभ हृदय भूथा हाथी मछली का जाला टूटा हाथी मछली का जाला टूटा कृपा निधान सट हरे चलूल सूखे का सट हरे चलूल ऊंचे थले फूले कमल अनूप ऊंचे थले फूले कमल अनूप अग्नि निवारी सतगुर देव अग्नि निवारी सतगुर देव वे सेवक अपनी लायो सेवक अपनी लायो सेव कृपा निधान अकीर्त कणा का करे उधार अकीर्त कणा का करे उधार प्रभ मेरा है सदा दयाल प्रभ मेरा है सदा दयाल संत जना का सदा सहाई संत जना का सदा सहाई चरण कमल नानक शरणाई चरण कमल नानक शरणाई कृपा निधान प्रीतम रंगे कृपा निधान प्रीतम रंगे रहाव दी तुक च महाराज कृपा निधान लफ्ज वरत देने अकाल पुरख ली पियो किरपा दा खजाना है निधान है ओदी किरपा दा को अंत नहीं असंख खत्ते खिन बख्शन हारा नानक साहिब सदा दयारा ते ओदी दयालता दा कोई अंत नहीं है ये सारा शब्द इस रहाव दे दुआले पाउंदा है रहाव दी तुक दसदी है पी आ जिहड़ियां उतलियां ते थलियां सतरां हैं देखो कहो जिहां दा उधार करदा हो किरपा करदा है अकिरत कणा को करें उधार सब दा एडा दयालु है ओ असंक खत्ते खिन बख्शन हार नानक साहिब सदा दयारा तां कृपा निधान दा लफ्ज आया है गुरु अकाल पुरख दे बहुत सारे गुण ने उन्हां दा एक ही गुण है
ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਦਿਆਲ ਹੈ। ਪਰ ਦਿਆਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਦੀਨ ਆਏਗਾ, ਦੀਨ ਤੇ ਦਿਆਲ ਹੋਊਗਾ, ਹੰਕਾਰੀ ਤੇ ਦਿਆਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਚਿਕਰ ਬੰਦਾ ਦੀਨਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਦਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਜੋਰ ਆਪਣਾ ਯਾਰ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਐਨ ਦੀਲ, ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੀਨ ਅਤੇ ਦਿਆਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਵਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੁਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਈ, ਕੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਉਹ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ, ਗਊ ਕੋ ਚਾਰੇ ਸਾਰ ਦੂਲ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਰਤਦਾ, ਬੁੱਝੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਹੈ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਵੀ ਸਮਝੇ ਸੂਝੇ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਬੂਝੇ ਅੰਤ ਨਿਰੰਤਰੇ ਸੱਚਾ। ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਬੁੱਝੋ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾਹੀਂ ਭੇਦ ਬੁੱਝਿਆ ਪਾਵਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਕੋਈ ਗਾਵੈ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਭੀਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖੇ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਹਰ ਭਗਤੇ ਹਰ ਲੀਜੇ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਮੀਨਿੰਗ ਨਾ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਾਉਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੇਲ ਸਕਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤੋ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਦੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ, ਤਦੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ। ਡਬਲ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਰਦੂਲ ਵੀ। ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਡਬਲ ਸ਼ੇਰ, ਤੋ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿੰਘ ਵਰਤਦੇ ਸੀ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਗਊ ਕੋ ਚਾਰੇ ਸਾਰਦੂਲ, ਵੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਗਾਈ ਨੂੰ, ਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਚਾਰਨ ਡਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਾਈਆਂ 'ਤੇ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸ਼ੇਰ ਖਾਣ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਈ ਇਹ ਅਜੀਬ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਅੱਗੇ ਮਨ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਡਰਦੀਆਂ ਸੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਹੁਣ ਮਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਾਰਨ ਡੇ। ਐਸਾ ਮਨ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਖੁੰਖਾਰ ਪਾਉਣਾ ਮਨ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਬਗਿਆੜ ਪਾਉਣਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਪਾ, ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਜਦੋਂ ਵੱਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਗਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਚੋਟੀ ਪਹਿਲੀ ਲਈ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਰਹਾਓ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਣਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਉਹਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਗਊ ਵਾਂਗੂ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਸਦਾ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ ਡਰਾਉਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬੜਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਗਊ ਵਾਂਗੂ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਚਰਾਉਣ ਡਿਆ। ਗਊ ਕੋ ਚਾਰੇ ਸਾਰ ਪਰ ਕਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਇਹ ਗਊ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਚਾਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੇ। ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਹੋਰ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਚਾਰ ਪਦੇ ਨੇ, ਚਾਰ ਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੁਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਿੰਸਾ ਪਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਜੁੱਟ ਨੇ ਇਹ। ਇਹ ਚੌਹਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਤੁਕ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜੂਗੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਗਊ ਕੋ ਚਾਰੇ ਸਾਰਦੂਲ, ਕੌਡੀ ਕਾ ਲੱਖ ਹੂਆ ਮੂਲ, ਬੱਕਰੀ ਕੋ ਹਸਤੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲੇ, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਚੌਥੀ ਤੁਕ 'ਚ ਅਸਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਬੰਧ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚੌਥੀ ਤੁਕ ਧਿਆਨ ਨਾ ਸੁਣਨੀ, ਉਹ ਰਹਾਓ ਦੀ ਤੁਕ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਊ ਕੋ ਚਾਰੇ ਸਾਰਦੂਲ,
कौडी का लख हुआ मूल भी कौडी सी एक आदि कौडी का लख हुआ मील आ नाम दे भगत बारे आउंदा जी आड़ राम को छिपरो होयो लाखीना ये ओदे अल इशारा है भी अद्धी कौडी का छिंबा सी वह लखांपति हो गया अंदरले धन दे नाल इस करके महाराज कहिंदे कौडी का लख हुआ मूल बकरी को हस्ती प्रतपाले हाथी जड़ा बकरी नूं भी पाल रहा सारा एडा वड्डा हो जानवर छोटे सारा ये सारा कदों है चौथी तुक देखियो की है पहला पहलियां तीन तुकां कहांगे चौथी च रहाओ दा भाव अर्थ आएगा गौ को चारे सार दूले गौ को चारे सार दूले कौडी का हस्ती प्रतपाले बकरी को हस्ती प्रतपाले अपना प्रभ नदर निहाले अपना प्रभ नदर निहाले चार तुकां कहियां अपने आप मुंह चो रहाओ दी तो कोठेगी भी वो कौन है हजिया वो है कृपा निदान प्रीतम प्रभे बड़े मसाको एडा उच्चा ज्ञान आया है सारे महल्या नू जां जड़ी बाणी साड़ी 1429 सफे च आई है एदे विच रहाओ महाराज ना को सोच के बैठ के नहीं कविता चीजा लिखियां जदों उत्तों शब्द आउंदा है चौथी तुक तों बाद अपने आप रहाओ उठता है भी एहो जिहा किहड़ा है वो है कृपा निदान प्रीतम प्रभ मेरे वरने न साको बहुत गुण तेरे हे कृपा निदान प्रीतम प्रभ मेरे वरने न साको अगलियां चार तुकां आउण लगियां हन उन्हां दी मैं आउटलाइन दस दवां कि ये भी चीज़ हो सकती है भी बिल्ली दे सामने ही मास पिया होवे ते बिल्ली मास ना खावे दीसत मास ना खाए बिलाई बिलाई बहुत वारी बाणी च लफज आएगा उहदा मैंने बिलाई बिल्ली बिल्ली मास तों हट जाए मोहरे मास पिया होए ये है मन के सामने जोबन ते रूप भावें पिया होए अंदर काम नहीं उछलेगा ये उहदे वल इशारा है भी सामने मास पिया लेकिन अंदरों रुचि नहीं उठती इस करके रूप ते काम तू परे हो जाण दी ये दशा सब तू पहला रहाओ तू सब तू नीवी स्टेज तू शुरू कर दे महाराज वो कहिंदे आ चार तुकां देखो हर एक दी पहला ये हालत होगी पर जे कृपा निधान ओदे ते हो जाए फिर की होएगा दीसत मास ना खाए बिलाई दीसत मास ना खाए बिलाई महा कसाबे छुरी सट पाए महा कसाबे छुरी सट पाए एडा वड्डा जलाद जड़ा होएगा जी उहदे ते कृपा होजूगी ओ मारेगा छुरी भगा के कहिंदे मैं नहीं ये किरत करदा ये जियां नूं कौन दी गल वड्डण दी ओ छुरी सुट देगा पर कदों जदों कृपा निदान प्रीतम प्रभु मेरे वरने न साको बहुत असीं ये सारी शब्द चौंकी लाई दी तदे है भी तदे असीं घर बैठ के हर शब्द पढ़न लगे बड़े ऐस थम रूलां नाल असीं उस शब्द नूं विचारीए जिदा संगत च वरतदा शब्द भी महाराज ने एडा शब्द लिखिया इहदे च की चाल रखी है इहदे रहाओ दी तुक की है इहदा भाव अर्थ की है शब्द की कहिंदा है असीं किधर लगना है तां जाके परमेश्वर ते गुरु दी समझ आएगी उहदे नाल फिर प्यार पएगा
किसी ना प्यार असी क्यों पाने उदी देह ना प्यार नहीं हुंदा उदे गुणा ना प्यार हुंदा जो इंसान दे गुण होंगे उन्हां दा दूसरे कोई लोग उन्हां दे गुणा दा प्यार करेगा देह दे बिन जब दिन बे ते मैटर है जिसम है इहदा इहने कोई महसूस नहीं करना अंदर गुणा नूं गुणा ना महसूस करना दिल नूं दिल दी राह हुंदी ये स्पिरिचुअल चीज़ा है प्यार प्यार को तोलिया नहीं जा सकता प्यार नापिया नहीं जा सकता प्यार कोई दिखाया नहीं जा सकता की है इस तरह कृपाल जिहड़ा गुरु दी इत्थे वड्याई दस रहे ने उहदी मेहर उहनूं मेहर नूं असीं दस नहीं सकते महसूस कर सकते हैं जिन्हां ने महसूस कीती है वह कीती है भई दीसत मास ना खाए पिलाई कसाबे छुरी सकताई महा कसाबे छुरी सकताई पर कदू करण हार प्रभ हिरदे भूठा हाथी मछली का जाला है करण हार प्रभ हिरदे हाथी मछली का जाला ढूंढा ये हो जे होर कौन हो सकता है जेड़े कि इन्ने कम करदे हो कौन है कृपा निदान प्रीतम प्रभु मेरे खेसु के कासट हरे चलूले हरे चलू ए ऊंचे थले फूले कमल अनूप ऊंचे थले फूले कमल अनूप ये भी कदी हो सकते भी एडो पर रेगिस्तान होवे और ओदे च फुल खड़े हो ये अंदर मन जिस वेले नाम की दशा च नहीं हुंदा अंदर नाम दे चलकारी जां नाम दा रस नहीं आउंदा अंदर बंदे दा सुक्का हुंदा रेगिस्तान बनिया हुंदा इहदे च फिर जिहड़े कमल पैदा हुंदे ये है घर हरनाकश दैंत दे कलर कवल भगत प्रहलाद कई बारी कलरां दे घर दे विच भी दैंतां दे घर दे विच भी कमल पैदा हो जांदा पर कदों कृपा निदान प्रीतम प्रभ मेरे खेड है हरनाकश दे घर दैंत पैदा कर दे ते गुरु रामदास साहब रब रूप दे घर अर्गे पिड़थिया पैदा कर दे कृपा निदान प्रीतम प्रभ मेरे सूके कासट हरे चलू अग्नि निवारी सतगुरुदेव अग्नि निवारी सतगुरुदेव सेवक अपनी लायो सेवक कृपा निधान प्रीतम प्रभ मेरे ਐਡਾ ਦਿਆਲ ਹੈ ਇੱਕ ਘਰ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ
दूसरा नाल दा ही गुआंढ गे ओ रब नू गालां कढ़दा वो एडा वो कहिंदा किहड़ा राड़ा रब मारे एवें रब मारन डे हर वेले एवें किहड़ा राड़ा रब दिसदा है कोई रब वो मन्नण वाला ही है नहीं नास्तिक है पर धन साडा एडा वड्डा प्रीतम है दोनों नू इको जी धुप दे रहा ये नहीं कहिंदा भी लै भी सूरजा तू आ जड़ियाँ रेज है जो धुप है ऐस करते पाई क्योंकि आ दूसरे नीन कित भेज दें ये तो मैनू गाला कढ़दा नहीं आ किरत कणा का करे उधार आ किरत कणा का करे उधार प्रभ मेरा है सदा प्यार हे प्रभ मेरा संत जना का सदा सहारी संत जना का सदा सहारी चरण कमल नानक शरणारी चरण कमल नानक शरणारी हे कृपा निधान प्रीतम साबे महक साबे छुरी सट पाई ए महक साबे छुरी सट पाई ए महक साबे छुरी सट पाई ए महक साबे छुरी सट पाई महले पंजवें का शब्द है महक साबे किहदे अल इशारा है उहदा ही शब्द फिर महला पंजवां जदों गुरु नानक का सिख बन गया वो फिर सदने कसाई ना शब्द उचारिया ते वो फिर गुरमुखी लिपि च लिख के पेश कीता इहदा की प्रूफ है कि गुरु ना अर्जन ना जां गुरुआ ना सदना कसाई नाम देव वेले होया जिहड़ा कि गुरु महाराज तो भी 100-150 साल पहला होए ने और जिस वेले बाबे नामदेव दी अखीरले दिन आए वो पंजाब च गुरदासपुर जिले दे विच बटाले दे लागे मेहता चौंक जिथे पिंडराला दा डेरा सी उहदे लागे कमाणा पिंड है उत्थे आण के समाए उत्थे उन्हां दा देवहरा दास दा लागे ही जन्म होया उस पिंड दे वो नामदेव दा देवरा जिस वेले गां जींदी कीती अकाल पुरख ने नामदेव ना नहीं जींदी कीती करहे राम होए सो इस करके पाखंतन बाज बजाए ला गरड़ चढ़े गोविंद आए ला बिस्मल गऊ जदों जवाई है अकाल पुरख ने उस वेले फिर वो नामदेव जी ने दिल्ली छड़ दिती है उसी इब्राहिम लोधी या सिकंदर लोधी का टाइम पठाना का टाइम बाबर नहीं सी हली आया पहला पठान सी दिल्ली दे उत्ते और बाबर वेले फिर इब्राहिम जिहड़ा लोधी सी उन्हें शिकस्त दे के बाबर का टाइम असी महल्या तां ही चीज़ दस रहे हाँ कि ये नामदेव दे वेले का भगत जिहड़ा मर चुका है अजे तो मरे भगतों को कहते नहीं वो कर्मखंड के वासी है सारे ना वो मरे ना ठागे जाहें जिनके राम वसे मन माहें भाएं उन्होंने किसी गुरु तो दीखिया पहला ले ही होवे पर वो कर्मखंड तक जरूर रब परमेश्वर का नाम जप के पहुँच जाते उस खंड तो सारे ही भगत पहला कर्म जे पहले भी पिछले से वह कर्मखंड के सदा जींदे है तो लागे ही सच खंड च बाबा नानक बैठा है जन नानक भगत दरे तुल ब्रह्म सम सरे एक जी क्या बखाना हाँ के बल 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 सद बल हार वो ब्रह्म दे बरोबर सदा ही तुल्या बैठा है साबद अखुट बाबा नानका वो लागे ही कर्मखंड तो अगला खंड सच खंड है वो लागे ही दीख्या लै लेंदे हे ब्रह्म बेता लोग वो फिर जदों दीख्या लई है वो फिर दीख्या उस मिलती है उन्हें अखर ची
और उन्होंने फिर गुरु नानक के जिन्ने शब्द होंगे है ये ब्रह्म बेता बड़ी छेती लिपि सीख जाते हैं बोली उन्होंने फिर ये बोली सीखी और साड़ी बोली फिर गुरमुखी लिपि के शब्द पेश किया फिर गुरु अर्जन पातशाह ने ये शब्द दिता ये की सच हो सकता है महक साबे छुरी सट पाई महक साबे छुरी सट पाई ओ मारी सुई बगार कहानी जी आउंदी है पर गुरु ग्रंथ साहब च कहानियां नहीं लिखियां क्योंकि महाराज का हुक्म है पहली पातशाही का गुर की करनी काहे तावो गुर कहे असाकार कमावो नानक गुर मत्ते साच समाव कहानियां वाल ना जायो जिहड़ी शब्दां च तुहानूं गुरमत मिलदी है गुरु की मत उहदे मुताबक तुसीं भजन करना शुरू करो ताकि जन्म सफला होवे कहानियां च ना पाओ क्योंकि ये ली कथा कहानी वेदियां नहीं ये वेदां दियां गल्लां उन्हां तों उल्ट हर एक चीज़ टाकरे च महाराज ने ब्रह्म ज्ञान दिता भी कथा कहानी नहीं कोई करनी ना किसी गुरु की ना किसी है ही नहीं है इस करके सदने की असी थोड़ी जी आम आम जिहड़ी प्रचलित सी भी वो बकरे वढ़दा हुंदा सी ते सदा ही बकरे नू क्योंकि जिहड़ा कर्म करोगे ना उहदा फल भुगतण लई तुहानू मुड़ के आउणा पैणा कबीर भांग माछली सुरापान जो जो प्राणी खाए तीर्थ वर्त नेम किए सबे रसातल जाए जिन्हें मर्जी नितनेम बाणियों का पाठ कर लो जे मास मच्छी खाते हो ना तो वह सारे जाया चले जाएंगे बाणी कहती है ये अगे टोक कोई नहीं लाई महाराज ने इस करके सख्त मना है बाणी के लिहाज ना असी वेजीटेरियन वी बिलोंग टू काओ फैमिली साडे अंदरला सारा डाइजेशन सिस्टम काओ फैमिली ना मिलता जिहड़ी गां वेजीटेरियन है इंसान दे अंदरों एसड ऊज आउट नहीं हुंदा जिहड़े अकाब शिकरे जां शेरां दे अंदर हुंदा है जिहड़ा कच्चा मास हजम कर जे डॉक्टरां ने भी ऐलान कर दिता है भी जिहड़ा ह्यूमन बीइंग है ये वेजीटेरियन है नैचुरल बाणी की एड्डी उच्ची लैवल है असी हैरान रह जाने देख के पढ़ के भी महाराज साफ ही बाणी च लिख रहे भी जे मास मच्छी तो शराब खाएगा ना तो तेरे नितनेम नाम जपना सारा सिक एक सब रसा होर गरकदा जाएगा रसातल कहिंदे ठां नूं गरकदा जाएगा ये चीज़ां मना हन एक तो कमाल ही लिख देंदे कबीर जी कबीर खूब खाना खिचड़ी जा मैं अमृत लून हीरा रोटी कार ने गला कटाए कौन हीरा कहिंदे शिकार की रोटी वो कहता जी मैं शिकार की रोटी खाधी बकरा खाधा या होर बाहरों जानवर मार के लिया के खाधे सारे कबीर कहता भाई ना मैं नहीं गला कटा अगली बारी ये बनने मेरे गला कट्टण वाले तो मेरा गला इन्हां ना कट्टणा मैं बारी नहीं दे सकता इस करके मैनू खिचड़ी किया प्रूफ है कि गुरु ना अर्जन ना जा गुरुआं ना सदना कसाई नामदेव वेले होया जिहड़ा के गुरु महाराज तो भी 100-150 साल पहला होए ने और जिस वेले बाबे नामदेव दी अखीरले दिन आए वो पंजाब च गुरदासपुर जिले दे विच बटाले दे लागे मेहता चौंक जिथे पिंडरालां दा डेरा सी उहदे लागे कमाणा पिंड है उत्थे आण के समाए उत्थे उन्हां दा देवरा दास दा लागे ही जन्म होया उस पिंड दे वो नामदेव दा देवरा जिस वेले गां जींदी कीती अकाल पुरख ने नामदेव ना नहीं जींदी कीती करहे राम होए सो इस करके पाखंतन बाज बजाए ला गरड़ चढ़े गोविंद आए ला बिस्मल गऊ जदू जवाई है अकाल पुरख ने उस वेले फिर वो नामदेव जी ने दिल्ली छड़ दिती है वो सी इब्राहिम लोधी या सिकंदर लोधी का टाइम पठाणा का टाइम बाबर नहीं सी हली आया पहला पठान सी दिल्ली दे उत्ते और बाबर वेले फिर इब्राहिम जिहड़ा लोधी सी उन्हूं शिकस्त दे के बाबर का टाइम असी महल्लियां तां ही चीज़ दस रहे हाँ ये नामदेव दे वेले का भगत जिहड़ा मर चुका है अभी तो मरे भगतों को कहते नहीं करमखंड के वासी है सारे ना मरे
ना ठागे जाहे जिनके राम वसे मन माहे। भाएं उन्हां ना किसी गुरु तो दिखिया पहला लई होवे पर वो करम खंड तक जरूर रब परमेश्वर का नाम जप के पहुँच जाते उस खंड च। ते सारे ही भगत पहला करम जे पहली भी पिछले सी वह करम खंड दे विच सदा जींदे है ते लागे ही सच खंड च बाबा नानक बैठा है। जन नानक भगत दरे तुल ब्रह्म सम सरे एक जी क्या बखाने हाँ के बल 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 सद बल हार। वो ब्रह्म दे बरोबर सदा ही तुल्या बैठा है साबद अखुट बाबा नानका। वो लागियों ही कर्मखंड तो अगला खंड सच खंड है वो लागियों ही दीख्या लै लेंदे ये ब्रह्म बेता लोग। वो फिर जदों दीख्या लई है वह फिर दीख्या उस ही मिलती है उन्हें अखरों च ही और उन्होंने फिर गुरु नानक के जिन्ने शब्द होंगे है ये ब्रह्म बेता बड़ी छेती लिपी सीख जाते हैं बोली उन्होंने फिर ये बोली सीखी और साड़ी बोली फिर गुरमुखी लिपि के शब्द पेश किया। वो फिर गुरु अर्जन पातशाह ने ये शब्द दिता ये कि सच हो सकता है महंक साबे छुरी सट पाई महंक साबे छुरी सट पाई। ओ मारी सुई बगार कहानी जी आउंदी है पर गुरु ग्रंथ साहब च कहानियां नहीं लिखिया क्योंकि मारी दा हुक्म है पहली पातशाही दा गुर की करणी काहे तावो गुर कहे असाकार कमावो नानक गुर मत्ते साच समावो। कहानियां ना जायो जिहड़ी शब्दां च तुहानू गुरमत मिलदी है गुरु की मत उहदे मुताबक तुसी भजन करना शुरू करो ताकि जन्म सफला होवे। कहानियां च ना पाओ क्योंकि ये ली कथा कहानी वेदियां नहीं ये वेदां दीआं गल्लां उहनां तों उल्ट हर एक चीज़ टाकरे च महाराज ने ब्रह्म ज्ञान दिता भी कथा कहानी नहीं कोई करनी ना किसी गुरु की ना किसी का है ही नहीं है। इस करके सदने की असी थोड़ी जी आम आम जिहड़ी प्रचलित सी भी वह बकरे वढ़दा हुंदा सी ते सदा ही बकरे नूं क्योंकि जिहड़ा कर्म करोगे ना उहदा फल भुगतण लई तुहानूं मुड़ के आउणा पैणा। कबीर भांग माछली सुरापान जो जो प्राणी खाए तीर्थ वर्त नेम किए सबे रसातल जाए। जिन्हें मर्जी नितनेम बाणियों का पाठ कर लो जे मास मच्छी खाते हो ना तो वह सारे जाया चले जाएंगे। बाणी कहती है ये अगे टोक कोई नहीं लाई महाराज ने इस करके सख्त मना है बाणी के लिहाज ना। असी वैजीटेरियन वी बिलोंग टू काउ फैमिली साढ़े अंदरला सारा डाइजेशन सिस्टम काउ फैमिली ना मिलता जी गां वैजीटेरियन है। इंसान दे अंदर एसिड ऊज आउट नहीं हुंदा जिहड़े अकाब शिकरे जां शेरां दे अंदर हुंदा है जिहड़ा कच्चा मास हजम कर जे। डॉक्टरां ने भी ऐलान कर दिता है भी जिहड़ा ह्यूमन बीइंग है ये वैजीटेरियन है नैचुरल। बाणी की एड्डी उच्ची लैवल है असी हैरान रह जाने देख के पढ़ के भी महाराज साफ ही बाणी च लिख रहे भी जे मास मच्छी ते शराब खाएगा ना ते तेरे नितनेम नाम जपना सारा सिक एक सब रसा होर गरकदा जाएगा रसातल कहिंदे ठां नूं गरकदा जाएगा। ये चीज़ां मना हन। एक तां कमाल ही लिख दिंदे कबीर जी कबीर खूब खाना खिचड़ी जा मैं अमृत लून हीरा रोटी कार ने गला कटाए कौन। हीरा कहिंदे शिकार की रोटी वो कहिंदा जी मैं शिकार की रोटी खाधी बकरा खाधा जां होर बाहरों जानवर मार के लिया के खाधे सारे। कबीर कहिंदा भाई ना मैं नहीं गला कटाउणा अगली बारी ये बनने आ मेरे गला कट्टण वाले ते मेरा गला इन्हां ना कट्टणा मैं ये बारी नहीं दे सकदा इस करके मैनू खिचड़ी।